तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो की लोकप्रियता के पीछे एक बड़ा कारण शो में काम करने वाले कलाकार और उनका दमदार अभिनय। वहीं शो का पसंदीदा किरदार यानी दया बेन अका दिशा वकानी की वापसी को लेकर पिछले कुछ वक्त से कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं, लेकिन साफ तौर पर कुछ सामने नहीं आया। वहीं दिशा के शो छोड़ने की खबरों के बीच उनकी वापसी को लेकर प्रोड्यूसर ने कहा कि दिशा जल्द ही शो में नजर आएंगी। इन्हीं सब खबरों के बीच एक बार शो के प्रोड्यूसर का बयान सुर्खियों में आ गया। दरअसल दिशा वकानी के फैंस उनकी वापसी की बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस बार प्रोड्यूसर असीद मोदी ने कहा, सच कहूं तो मैं भी यही चाहूंगा कि ओरिजिनल दयाबेन यानी दिशा वकानी ही वापस आ जाए, और उनके लिए मैं और मेरी पूरी टीम कोशिश कर रहे हैं। अमित मोदी ने आगे कहा, दिशा का बच्चा हो जाने के बाद हमने सोचा कि वो बड़ा हो जाए और उन्हें भी मदरहुड एंजॉय करने का समय दिया जाना चाहिए। हमें इस बात से जरा भी दिक्कत नहीं है। हालांकि फैंस को उनकी वापसी का इंतजार था, लेकिन फिर भी वो शो को पसंद करते थे। अब मैं मानता हूँ कि शो में दया बहन की जरूरत है। कोविड के समय में थोड़ा हम भी अटके हुए हैं, लेकिन एक या दो महीने में आपको खुशखबरी ही मिलेगी। असित ने आगे कहा, जो प्यार दिशा को दयाबेन के रूप में मिला वो तो मिलना बहुत मुश्किल है। मुझे लगता है कि दिशा फैंस के प्यार का सम्मान करेंगी और वापस आने का सोचेंगी। हालांकि अगर दिशा अपने वापस आने की वजह बताएंगी तो मैं उनके लिए हल निकालूंगा। असित ने आगे कहा, अब दयाबेन को तो शो में लाना ही होगा। फिलहाल हम कोविड के समय थोड़ी सावधानी बरतेंगे, लेकिन माहौल में थोड़ा सुधार आते ही दयाबेन वापस आ जाएंगी, चाहे पुरानी दिशा वकानी या फिर हमें नई दयाबेन की एंट्री करानी पड़े। अब देखना दिलचस्प होगा कि दिशा वकानी की ही एंट्री होती है या कोई नया चेहरा देखने को मिलेगा। टीवी की हर अपडेट जानने के लिए आप बने रहें डेली न्यूज के साथ, और डेली न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें।